नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां जिले के एक दिवसीय दौरे पर आए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने आज जिले के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कानपुर में हुई ट्रैक्टर सवार 26 श्रद्धालुओं की मौत के बाद बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेकर के तत्काल प्रभाव से परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं, जिस कार्य के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन है उसी में उपयोग किया जाएगा। ट्रैक्टर कृषक के लिए बना है तो वो कृषक का ही काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को इस घटना से सबक लेना चाहिए। भ्रष्टाचार पर सरकार की कार्रवाई की जा रही है, जो अधिकारी नहीं सुधर रहे हैं पकड़े जाने के बाद उन्हें सेवा से मुक्त किया जा रहा है। लागू करने के लिए, लेकिन पॉलिटिक्स में, राजनीति में हम सब लोग गांव से जुड़े हैं। अभी कौनो ट्रैक्टर बंद होगा तो थानेदार तो तुरंत फोन करेगा कि साहब हमारा खाद लदी रहा है, मत यार लेबर बैठ रहा है और पुलिस ने बंद कर दिया, आदमी उतर गया, तो हम ही लोग उसकी सिफारिश करेंगे कि इसको छोड़ो। तो ये केवल कहा गया है मुख्यमंत्री जी से, उन्हें जो निर्देश किया है, परिवहन विभाग को भी जिम्मेदारी दी है कि इसको कोऑर्डिनेट करें और हमें आपको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। कार के लिए जो साधन है उसको उसी में इस्तेमाल किया जाए, उसका इस्तेमाल सवारी में न किया जाए और तमाम साधन है उनका उपयोग किया जाए, ताकि जान से बड़ी कोई कीमत नहीं होती है, तो लोगों की जान न जाए। इसलिए योगी जी ने ये फैसला लिया, इसको सबको मानना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। गांव-गांव में बुलेरो है, गाड़ियां हैं, उनका इस्तेमाल हो। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां देश के दिग्गज नेताओं में शुमार सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद से ही देश में दुआओं का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में बलरामपुर जिले में भी सपा सरकार में कई बार मंत्री रहे और मौजूदा विधायक डॉक्टर एसपी यादव की अगुवाई में उनके कैंप कार्यालय पर नेताजी की दीर्घायु के लिए हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस हवन कार्यक्रम में युवजन सभा के अध्यक्ष राकेश यादव समेत शफीकुल्लाह खान और स्थानीय सभासद ध्रुव चौधरी सहित दर्जनों की संख्या में युवा मौजूद रहे। की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, वो मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनके दीर्घायु के लिए और शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हम लोग पूरे सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सभी जनता, किसान, गरीब, नौजवान, महिलाएं सभी आज दुआएं कर रही हैं कि नेताजी शीघ्र स्वस्थ हो जाएं और उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए, शीघ्र स्वस्थ होने के लिए आज समाजवादी पार्टी जनपद बलरामपुर के कैंप कार्यालय में एक हवन का आयोजन किया गया कि नेताजी शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। जी, हम लोगों को भी जानकारी हुई है कि आदरणीय नेताजी अस्वस्थ हैं और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि माननीय नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच में आएँ और अपना आशीर्वाद, स्नेह हम लोगों के ऊपर हमेशा बनाए रखें, उनकी छत्रछाया हमेशा बनी रहे और वो दीर्घायु हों, यही कामना करते हैं। और इसी के उसमें अभी बलरामपुर में माननीय पूर्व मंत्री डॉक्टर एसपी यादव साहब ने उनके दीर्घायु होने के लिए एक हवन का कार्यक्रम रखा है कि माननीय नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हों। खबर बस्ती से है, जहां जिले के बहादुर ब्लॉक के सेक्रेटरी अजय सिंह से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि मारपीट करने वाले प्रधान प्रतिनिधि प्रेमजी यादव की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ब्लॉक के सभी सेक्रेटरी और कर्मचारियों ने ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन किया और एक दिन के कार्य का बहिष्कार किया। दरअसल भुगतान को लेकर के सिल्लू गाँव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रेमजी यादव ने बीते 26 सितंबर को ब्लॉक में एडीओ चैम्बर में सेक्रेटरी से मारपीट की थी। सेक्रेटरी का आरोप है कि चैम्बर में जैसे ही मैं गया, प्रधान प्रतिनिधि ने गाली गलौज शुरू कर दी और पिटाई कर दी, जिसके बाद सेक्रेटरी ने तहरीर देकर प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी प्रधान प्रतिनिधि की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे नाराज होकर के ब्लॉक के सभी सेक्रेटरी कार्य बहिष्कार करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। ब्लॉक कैंपस में घुसते ही प्रधान प्रतिनिधि
प्रेम जी यादव के द्वारा पंचायत कार्यालय में, वीडियो पंचायत के कार्यालय में आए और सीधे जो है ना कुछ बोलते न कुछ, और सीधे उन्होंने जो है अजय सिंह के ऊपर स्वयं मेरे ऊपर हाथ उठाया। बाद में जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे सब लोगों ने बीच बचाव करके मामले को शांत किया। के साथी जो अजय सिंह हैं, इनके साथ घटना करने वाले ग्राम प्रधान जो सिल्लो के प्रतिनिधि प्रेम जी यादव थे, उन्होंने इनके साथ मिसबिहेव किया। समन्वय समिति खबर बिजनौर से है, जहां नवरात्र हिंदुओं के विशेष पर्व के मौके पर जेल में बंद हिंदू बंदियों के साथ साथ कई मुस्लिम बंदियों ने भी नवरात्र का व्रत रखकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। तो वहीं व्रत रखकर पूजा अर्चना के दौरान ईश्वर से प्रार्थना की कि रिहाई जल्द से जल्द हो। वहीं जेल प्रशासन द्वारा बंदियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके बाद जेल अधीक्षक डॉक्टर अदिति श्रीवास्तव की उनके काम को लेकर के जमकर प्रशंसा की जा रही है। कारागार बिजनौर में जो नवरात्र के व्रत चल रहे हैं उसमें बंदियों ने भी व्रत रखा है, जिसमें 410 हमारे ऐसे बंदी है जो नवरात्र के व्रत रखे हुए हैं। इन 410 बंदियों में 36 मुस्लिम बंदी हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं जिसमें व्रत रखी हैं, और ये हिंदू मुसलमान एकता सहिष्णुता की बहुत अच्छी मिसाल वो दे रहे हैं। यहाँ पे सभी बंदी आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, उसी के अनुक्रम में ये बिल्कुल सौहार्द के साथ व्रत रखे हैं, और जेल प्रशासन व्रत से जुड़ी हुई जितनी सुविधाएं होती हैं वो सब इनको प्रयोग इनको उपलब्ध करा रहा है। अगली खबर फरुखाबाद से है, जहां यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद की सभा में कुर्सियां खाली पड़ी दिखी। इस दौरान सभा में खाली पड़ी कुर्सियों में मंत्री संजय निषाद देखकर परेशान हो गए। दरअसल मंत्री संजय निषाद का पहले से ही ये कार्यक्रम तय था। बता दें कि यूपी सरकार में मत्स्य विभाग में मंत्री हैं संजय निषाद। खबर अमेठी से है, जहां नवरात्रि और बारहफात त्योहार को लेकर के आज सुरक्षा व्यवस्था के तहत कस्बा बाजार शुकुल और मोहना पश्चिम में चौराहे पर पुलिस टीम ने पैदल क्षेत्र का मार्च किया, जहां पुलिस ने लोगों से शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की। अगली खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात संविदा कर्मी के निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान बच्चा और जच्चा की कल मौत हो गई थी, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत के बाद डॉक्टर दंपत्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। साथ ही आज हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी डॉक्टर दंपत्ति फरार चल रहे हैं। डिलीवरी के दौरान एक माँ और एक नवजात का मृत्यु के संबंध में सूचना थाने पर दी गई है। तत्काल मौके पर पहुँच के सचिव के द्वारा जांच की गई है, और वहाँ पे जो डॉक्टर के रूप में जो क्लिनिक चला रहे थे वो फरार हो गए थे, तो तुरंत मुकदमा लिखा गया है। ऐसे प्रतीत हो रहा है झोला छाप डॉक्टर है और इनके खबर संभल से है, जहां दीपा राय स्थित अपने आवास पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मुलायम सिंह यादव के लिए दुआ की। बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव इस समय बीमार चल रहे हैं और वो अस्पताल में भर्ती हैं। मुलायम सिंह यादव की सेहत के लिए सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दुआ की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को उनकी जरूरत है। मुलायम सिंह यादव की सरपरस्ती अखिलेश यादव और उनके मानने वालों के लिए आवश्यक है। देखिए, जहाँ तक मुलायम सिंह का ताल्लुक है, वो एक हिंदुस्तान के एक ऐसे नेता हैं जो जिन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम का कोई नारा नहीं दिया, आपस में लड़ाया नहीं बल्कि मिलाने की हमेशा बात की, दिल जोड़ने की बात की मुलायम सिंह ने हमेशा। और मुलायम सिंह आज भी अभी जिंदा हैं, अल्लाह उनके सलामत रखे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको आराम कर दे अभी और लंबी उम्र कर दे उनकी, ताकि वो समाजवादी की सरपरस्ती करते रहें। उनकी सरपरस्ती की अभी ज़रूरत है अखिलेश यादव जी के लिए और
और सारे जो उनके मानने वाले हैं उन सब के लिए उनकी जरूरत है। खबर इटावा से है, जहां घर के लिए मिट्टी लेने गए चार बच्चे मिट्टी के टीले में दब गए। हादसे में तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक बच्चा घायल हो गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बच्चों के शवों को टीले के नीचे से निकाला, वहीं घायल मासूम बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। खबर गोंडा से है, जहां जिले में पुलिस ने इंटर स्टेट फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए कोतवाली नगर पुलिस ने कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रबंधक समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर सहित भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया है। गोंडा में आज कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम और खास करके विवेचक इंस्पेक्टर अनंत कुमार सिंह के द्वारा ये तीन अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ये एक है अभय श्रीवास्तव है जो यहाँ सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, और एक रोहित बरवार है जो रोहित लोकवाणी केंद्र मलकापुर में, और एक कृष्ण कुमार कनौजिया है ये जो बस्ती का रहने वाला है। ये तीन लोग गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों लोग एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जो तैयार करते थे उस संदर्भ में इनको गिरफ्तार किया गया है। जनपद गोंडा में जिला अस्पताल है, महिला अस्पताल, इनकी सीएमएस के द्वारा 4 अगस्त को एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि जनपद गोंडा में कुछ जन्म प्रमाण पत्र कुछ लोगों के द्वारा फर्जी बनाए जा रहे हैं, तो उसमें ये उस मुकदमे विवेचना के बाद पर्याप्त साक्ष्य संकलन उपरांत और ये कार्रवाई की गई। इसमें 8 अदद लैपटॉप है, प्रिंटर है, स्कैनर है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और ये फिंगरप्रिंट की मोहर है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्री भी इसमें रिकवर की गई है। खबर हरदोई से है, जहां बघौली थाना क्षेत्र में होमगार्ड संतराम और उनकी पत्नी कैलाशा की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि संतराम की बहू के चचेरे भाई ने अपने दो दोस्तों को शामिल करते हुए वारदात को अंजाम दिया था। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि जमीन हड़पने की कोशिश करने में ये वारदात की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने दो हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। आगे 27 तारीख को थाना बघौली क्षेत्र में एक वृद्ध दंपत्ति की शाम या देर रात्रि में किसी टाइम गला काट करके हत्या कर दी गई थी। अत्यंत सनसनीखेज प्रकरण था, जिसके संबंध में 28 तारीख को अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें अब बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत था और कहीं से भी कोई इसमें क्लू नहीं था। इसमें मेरे द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी और सीओ बघौली, स्वाट सर्विलांस टीम, इन सबको करीब 5-6 टीमों को लगाया गया था अनावरण के लिए। इस संबंध में फिर खुलासा हुआ है कि एक संपत्ति के विवाद में जो मृतक है उसकी बहू का चचेरा भाई सुधाकर, जो कि थाना अतरौली करने वाला है, उसने ही कुछ षड्यंत्र करके ये कार्य किया करवाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।